सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे मैक्रम के लेटेस्ट और यूनिक डिजाइंस के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने व्यूअर्स को वेस्टेज मैक्रम से मैक्रम का विंड चैन बनाना बताऊंगी। इसको मैंने वेस्टेज बैंगल से बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वेस्टेज मैक्रम लिया है। आपके पास कितना भी छोटा टुकड़ा हो आप ले। तो मैंने यहाँ पे रामा ग्रीन कलर का वेस्टेज मैक्रम लिया है और 15 पीस इस तरह का चूड़ी लिया है मैंने। ये मेरा 2-6 का साइज का चूड़ी है, 15 पीस चाहिए। और ये छोटा वाला चूड़ी आपके पास जैसे गड़बा में हम बच्चे लोग के लिए खरीद देते हैं, उसके बाद ये वेस्टेज हो जाता है। ये वेस्टेज बैंगल चाहिए हमको 15 पीस, दोनों बैंगल हमको 15-15 पीस चाहिए। और ये मैंने यहाँ पे 6.5 इंच का रिंग लिया है, गोल्ड रिंग। और ये बीट्स हमको 50 ग्राम चाहिए, मटका बीट्स। और एक बड़ा बीट्स चाहिए कोई भी कलर का। और ये बेल्स चाहिए हमको 15 पीस। और लाइटर का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, लाइटर और सीजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। फर्स्ट स्टेप होगा हमको दो रिंग को, दो चूड़ी को इस तरह से लेकर के और इस तरह का हमको शेप बनाना है। उसके लिए हम छोटा मैक्रम भी यूज कर सकते हैं। इस मैक्रम को हमको इस तरह से खोलना है, जो रेशा खुलता है बस इतना ही खोलना है। और इसके ऊपर हमको फोल्ड करते चलना है 2 से 3 बार। जब आप फोल्ड कर ले तब हम ये स्टार्टिंग का जो कॉर्ड है इसको हम लाइटर से स्टिक कर लेते हैं, बिल्कुल हल्का सा ऐसे से स्टिक करके। अब हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते जाना है। ये कॉर्ड खत्म हो गया। अब इसके कॉर्नर को हम यहाँ पे स्टिक कर लेंगे और एक फिर नया छोटा सा कॉर्ड लेंगे और फिर से हम इसको ऐसे ही खोलेंगे और इसको भी स्टार्टिंग को हल्का सा मेल्ट करके यहाँ पे स्टिक कर लेना है।
हो गया। अब हम इसको यहाँ पर एक गांठ लगा लेते हैं इसको अंदर से बाहर करते हुए, और पहले हम ऐसे ही ढेर सारा तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको एक और बता देती हूँ, उसके पहले आप देखिए इस तरह का हमको तैयार करना है, और इसमें ये लगा ही छोड़ देना है। इसमें मैं और जस्ट अपार्ट इसमें अटैच करके और फिर इसमें डिजाइन बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे अटैच कर लेती हूँ। अब इसमें डिजाइन बनाने के लिए बीट्स फंसाना है, सॉरी फ्रेंड डिजाइन है। तो पहले एक बेल्स लेना है, बेल्स को इसमें डालना है और फिर एक यहाँ भी एक गांठ लगा लेनी है। इससे एक गांठ लगा लेनी है और फिर अब हमको इसमें बीट्स लगाना है। तो पहले हम एक बीट्स लगाते हैं और इसका जो हाइट होगा फ्रेंड्स उसको मैं बाद में एडजस्ट करूंगी। बीट्स लगा रही हूं मैं। बीट्स लगाने के लिए इसके अंदर हमको डालना है बीट्स को और इसके अंदर फिर से एक बार निकाल लेना है। ये बीट्स लग गया, अब मैं इसको एडजस्ट कर सकती हूँ जितनी इसकी जरूरत है उस हिसाब से। एक लगा करके हमको दो दो तैयार करना है, जैसे कि सेम ऐसा एक बीट्स के साथ दो दो चूड़ी वाला डिजाइन चाहिए, फिर दो बीट्स के साथ दो चूड़ी वाला डिजाइन। तो ये एक बीट्स वाला है, इसके कॉर्ड को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मैं फिर एक और आपको करना बताती हूँ, इसको आप फास्ट फॉरवर्ड पे ही देखिएगा सेम प्रोसेस के साथ। देखिए फ्रेंड्स ये सर्कल बन गया है, और जहां भी एक्स्ट्रा कॉर्ड इस तरह का थोड़ा सा उधरा हुआ कॉर्ड लगे आप उसको इस तरह से स्टिक कर ले और एक बराबर कर दे। अब मैं इसके बीच में ये बेल्स फंसा करके और इसमें बीट्स फंसाना बताऊंगी। ये देखिए बेल्स हो गया, अब मैं इसमें आपको दो बीट्स फंसाना बता रही हूँ, दो चार छः, मैं एक ही बार बता देती हूँ तो जल्दी छोटा वीडियो बनेगा। ये देखिए एक बीट्स मैंने डाला और इस तरह से मैंने निकाल लिया, दो बीट्स डाला इस तरह से निकाल लिया। बता दिया।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे रिंग को ऐसे ही बीट्स लगा करके तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ हमको 6.5 इंच के रिंग को कवर करना है, तो उसे कवर करने के लिए हम जस्ट अ कॉर्ड जोड़ लेते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे एक गांठ लगा के और इसको गोल गोल घुमाते हुए हम यहाँ पे इसको इस रिंग को कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है। अब मैं इसे दोनों पॉइंट को काटूंगी एक साथ और इस दोनों को एक दूसरे के साथ स्टिक कर लेना है। ये देखिए, ये अच्छे से पैक हो गया है और यहाँ जो ज्वाइंट दिख रहा है, तो अगर ज्यादा ज्वाइंट दिखे तो हल्का सा उसको मेल्ट करके ऐसे दबा लें तो एक बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने रिंग तैयार कर लिया है। इस रिंग में ये सब भी पॉइंट को फंसाऊंगी मैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं सिंगल और ये जो एक्सेस कॉर्ड यहाँ से रेशा निकला रहता है, इसको आप दबा लें। इसको मैं इस हाइट पे फर्स्ट डालूंगी। तो यहाँ पे बांध लें। और थोड़े से हाइट पे कट करके और इसको वहीं पे आप मेल्ट कर दें। इस तरह से ये मेरा एक लग गया। अब मैं इसमें दूसरा लगाऊंगी। इतना हाइट होना चाहिए फर्स्ट और सेकेंड में। इसको मैं और खोल लेती हूँ। खींचते हुए लपेट करके अब यहाँ पे गांठ लगा लेनी है।
कट करके इसी जगह इसको स्टिक कर लेना। ये दो हो गया, अब थर्ड देखिए। थर्ड में हम दो बीट्स वाला लेंगे, ये मेरा दो बीट्स वाला है। पहले हम मोती को एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से, और फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि आप इसको जो करें, आप इसको हैंग करके, इसको हैंग करके इसका डिस्टेंस आप निश्चित करें। मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, लेकिन मैं भी इसको, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है, ये फैलेगा, इसी हिसाब से आप इसका हाइट सेट करें। मैं आपको बस एक बता रही हूँ करके, मैं यहाँ पे अब यहाँ से मैं कट नहीं करूंगी, मैं इसको टांग करके और इसका हाइट एडजस्ट करूंगी इस तरह से। हमको थोड़ी थोड़ी दूरी पे छोटे से बड़े करते हुए हमको चारों तरफ इसको हैंग कर लेना है। पहले एक बीट्स, फिर दो बीट्स, और फिर हम यहाँ पे थ्री बीट्स वाला लेंगे। देखिए अब मैं यहाँ पे थ्री बीट्स वाला लाइन लगा लूंगी। तो इस तरह से करते हुए हमको इसके चारों तरफ इसको लगाना है। ये फ्रेंड्स यहाँ मैंने, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, चारों तरफ मैंने ये देखिए स्टार्टिंग का और ये एंड का मैंने यहाँ पे फंसा लिया है। अब मैं इसमें कॉर्ड लगाऊंगी ऊपर हैंगिंग के लिए। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट करके मैं आपको बताती हूँ, 26 सेंटीमीटर का कॉर्ड लिया है और उसको मैं यहाँ पे कट कर लूंगी। और इसके पॉइंट को खोलना है और इसको हम यहां से, ये जो फर्स्ट छोटा वाला है, इधर मैं इसको बांध लेती हूँ। अब मैं इसमें बीट्स फंसा लेती हूँ, जितना बीट्स आप चाहें फंसाना, तो बीट्स डालना है और अंदर से इस तरह से निकाल लेना है, तो बीट्स फंसाना है। अंदर से निकाल लेना है, आप जितना चाहे आप उतना बीट्स फंसा सकते हैं इसमें। मैं यहाँ पे 6 बीट्स फंसाऊंगी, 6 या 8 जितना बीट्स आपके पास अवेलेबल हो। बीट्स फंसा करके और इसे पूरा खोल लेना है। पूरा मैंने यहाँ पे खोल लिया है। अब मैं इसके ठीक सीध में इसे इस ये पॉइंट पे मैंने डाला, तो इसका सीधा ये पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर लेती हूँ। आप ऐसे ही दो चार बार लपेट करके इसको हल्का सा
फिक्स करें, उसके बाद आप एडजस्ट कर लें। ये देखिए इधर हुआ। अब मैं सेम यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैसे ही मैं करूंगी। एक और जो कॉर्ड है इसको मैंने कट किया था, इसको भी मैं अब यहाँ पे लगाऊंगी इस तरफ। इसमें भी मैं सिक्स बीट्स ऐसे ही डालूंगी। फ्रेंड्स यहाँ मैंने इसका सेंटर को फिक्स किया है। अब मैं इसका जो कॉर्नर है सेंटर में मैं एक इसको बैलेंस करते हुए सेंटर में एक गांठ लगाना है। और यहाँ पे एक बड़ा सा बीट्स हल्का सा मिल करके फिर कड़क कर ले हल्का सा, कोई भी कलर का बड़ा सा बीट्स ले। और फिर अब उनको ये जो गांठ लगाया है मैंने दो दो कॉर्ड करके, यहाँ दो दो है चार है, तो दो के बीच में इस तरह से फंसा लेना है। और तो दो से तीन बार हमको यहाँ पे गांठ लगा करके इसको स्टिक कर लेनी है। गांठ लगा लिया मैंने, एक स्पॉट को कट करके इस गांठ को हम हल्का सा स्टिक करके ऐसे कर लेंगे। तो ये अब तैयार है। और इसके बीच में भी मैं एक लगाऊंगी लाइन। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने यहाँ पर ये रिस्टेज मैक्रम से विंड चैम्प को तैयार किया है। और ये जो बीच का पीछे मैंने आपको बोला था एट मोत बीट्स लगा करके मैंने यहाँ पे इसको बांध दिया है। और बीच का देखिए, बीच का सबसे लंबा मैंने रखा है इसको। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये मेरा विंड चैम्प है जो बन के तैयार है। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।